हाय प्रगति, क्या हाल? हैप्पी वुमेन्स डे। वुमेन्स डे छोड़, मैं और नेहा जल्द शादी करने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। शादी के बाद जॉब से तू क्विट करेगा? वो करेगी ना क्विट। मैं क्यों करूंगा क्विट? नेहा के करियर का क्या? तेरा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तुम एक लड़की हो। सिर्फ एक दिन वुमेन्स डे वुमेन्स डे वुमेन्स डे चिल्लाने से वुमेन्स डे नहीं हो जाता, तो प्लीज स्टॉप पोकिंग हर। हाय प्रगति, क्या हाल? हैप्पी वुमेन्स डे। वुमेन्स डे छोड़, ये बता क्या चल रहा है? अरे बस वही यार, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर एलुमनाई। वाओ, क्या सीन है फिर? वही बस, मिल बैठेंगे तीन यार टाइप्स, मैं, मेरे स्कूल के दोस्त, और आगे तो समझ जा, पब शब पार्टी शाटी। अच्छा, लेट नाइट पार्टी, तो फिर फीमेल फ्रेंड्स भी आ रही होंगी? ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। नेहा ने अलाउ कर दिया तुझे लेट नाइट पार्टी, फीमेल फ्रेंड्स? अलाउ कर दिया मतलब? और मैं उससे पूछूंगा क्यों, और वो मुझे अलाउ क्यों करेगी? क्यों नहीं पूछेगा? अरे प्रगति पागल हो गई है क्या, क्या बोले जा रही है? खैर छोड़, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, मैं और नेहा जल्द शादी करने वाले हैं। ओह दैट्स नाइस, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो तुमने तो सॉर्ट कर लिया होगा कि शादी के बाद जॉब से तू क्विट करेगा? मैं जॉब से क्यों क्विट करूंगा, पागल हो गई है क्या? अरे ऑब्वियसली, नया मेहमान घर में आ रहा है, घर में इतने सारे काम होंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, बर्तन कौन साफ करेगा, खाना कौन बनाएगा, तेरे मम्मी पापा का ध्यान कौन रखेगा, और फिर नए मेंबर को घर में कंफर्टेबल फील कराना भी तो तेरा ही काम है ना हिमांशु। क्या सुबह सुबह क्या खा लिया प्रगति, मतलब क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? अरे शादी के बाद हम मैनेज करेंगे, और अगर देखो क्विट करना ही होगा तो वो करेगी ना क्विट। मैं क्यों करूंगा क्विट, और वैसे भी मम्मी पापा का ख्याल रखना, खाना बनाना, ये सब तो लड़कियों का काम है ना, लड़कों का काम थोड़ी ना है। अच्छा तो किस संविधान में तूने ये पढ़ाई कि लड़कियों का काम है? और नेहा के करियर का क्या? अरे प्रगति, नेहा अगर उसका करियर तो हो गया ना, अब वो उसका करियर हो गया, लड़कियों का काम, और शादी के बाद तो वैसे भी देखो लड़कियों की प्रायोरिटी घर परिवार ही होता है। अच्छा तो ये भी तुम लड़के ही डिसाइड करोगे कि लड़कियों की प्रायोरिटीज क्या है? अरे प्रगति तेरा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मैं बताती हूँ तुझे प्रॉब्लम क्या है। ये बता, नेहा के फोन का पासवर्ड तेरे पास है? हाँ। और तेरे फोन का उसके पास? नो। तेरे फेसबुक का, तेरे जीमेल का, तेरे इंस्टा का पासवर्ड उसके पास है? ये है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है तुम लोगों की कंजर्वेटिव सोच। ये कलर्ड शूज और फूलदार शर्ट पहनने से कोई कूल नहीं हो जाता, कूल बनने के लिए एफर्ट करने पड़ते हैं। जब हम तुमसे तुम्हारा पासवर्ड मांगते हैं तो तुम्हारा ईगो बीच में आ जाता है। मत दो, हमें चाहिए भी नहीं, लेकिन हमसे मांगो भी मत। लेकिन अगर हमें पार्टी में जाना होता है तो हमें तुम्हें पूरी डिटेल्स देनी पड़ती है, किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब जाएंगे, क्या खाएंगे, कितने बजे जाएंगे। लेकिन जब तुम्हारी पार्टीज में जाने का आता है तुम हमें कुछ नहीं बताते। इवन हमें शादी में पार्टीज में क्या पहनना है ये भी तुम लड़के ही डिसाइड करते हो। ये है प्रॉब्लम। जब मैंने तुझसे पूछा कि नेहा ने तुझे पार्टी में जाने के लिए अलाउ कर दिया, तो तूने पूछा कि मैं क्यों पूछूंगा, तुझे मिर्ची लग गई। अरे सुन तो ले मेरी बात अच्छे से। और क्या कहा तूने कि ये काम लड़कियों का है, लड़कियां ही करेंगी? ये कहां पर तूने देखा, ये कहां पढ़ा तूने कि ये काम लड़कियों का है, लड़कियां करेंगी? घर की सफाई और खाना बनाना दोनों की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, तो ये काम दोनों को करना पड़ेगा। ये तू डिसाइड नहीं करेगा कि ये काम सिर्फ नेहा करेगी। अगर शादी के बाद कोई लड़की काम करना चाहती है, जॉब करना चाहती है, बाहर जाना चाहती है, तो वो एक अच्छी लड़की नहीं है, वो एक अच्छी बहू नहीं है। ब्रो तुम्हें पता है, तुम्हें जब कोई अच्छी जॉब के लिए रिकमेंड करता है ना, तो तुम्हें लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो और बहुत इंटेलिजेंट हो। चलो मान भी लिया कि तुम स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर हमें कोई अच्छी जॉब के लिए रिकमेंड करता है तो तुम हमारा कैरेक्टर असैसिनेट कर देते हो। अरे मोटू सुन तो सही मेरी बात। और हाँ, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की भी जब खुद को आईने में देखती होगी ना, तो उसे भी खुद में 50,000 कमियां लगती होंगी। कमियां उसमें नहीं है, कमियां तुम्हारे जैसे लोगों की सोच में है। तुम लोगों ने ये जो सुंदरता आदर्श का पैमाना सोसाइटी में बनाया है ना, ये एक फेक पैमाना है, एंड इट्स पिसिंग अस ऑफ। अ कूल अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड बॉयफ्रेंड फ्रेंड इज अ मिथ। प्रॉब्लम ये है कि तुम एक लड़के हो। प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये तुम लड़कों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और तुम्हारी सारी बकवास हम एक स्माइल से टाल देते हैं। कभी सोचा है कि एक लड़की की जिंदगी में तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? कि सिर्फ एक दिन वुमेन्स डे वुमेन्स डे वुमेन्स डे चिल्लाने से वुमेन्स डे नहीं हो जाता। अगर वुमेन्स डे मनाना है और औरतों को कुछ अच्छा फील कराना है, तो दुनिया की औरतों को कराओ। कम से कम वो नहीं करा सकते तो अपने आसपास मौजूद औरतों को कराओ, और अगर वो भी नहीं करा सकते तो प्लीज स्टॉप पोकिंग हर। पिज़्ज़ा खाओगी? चल भाग यहाँ से। दुनिया की सारी औरतों को हैप्पी वुमेन्स डे। अब तू भी बोल ले, क्या मुंह सड़ा के बैठा है?
जी बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने कहा, आपने आसपास की औरतों को स्पेशल फील कराइए और हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीवन। और हाँ, ये भी बता दें आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे TV9 भारतवर्ष। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूँ डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ, आप फिट तो सब हिट।